अयोध्या जिला अधिकारी अनुज झा ने जिला अस्पताल पहुंचकर डेंगू वार्ड का निरीक्षण किया और डॉक्टरों को उचित दिशा निर्देश दिए। वहीं निरीक्षण के दौरान जिला अधिकारी अनुज झा ने कहा है कि इस समय डेंगू वार्ड में डेंगू को केवल 8 मरीज भर्ती है और सभी का इलाज चल रहा है। सभी डेंगू के मरीज समान हैं, कोई भी सीरियस नहीं है। उन्होंने कहा कि 18 अगस्त से 2 नवंबर आज तक जिला अस्पताल में कुल 84 डेंगू के मरीज भर्ती हुए, जिनमें 12 मरीज अन्य जनपद के थे और 72 अयोध्या जनपद के। सभी डेंगू से पीड़ित मरीजों का समुचित इलाज हुआ है, किसी को हायर सेंटर रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ी और न ही किसी भी डेंगू से पीड़ित मरीज की मौत हुई। उन्होंने कहा कि जनपद में 24 इलाके व 12 फोकल प्वाइंट बनाए गए हैं, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीम काम कर रही है। उन्होंने कहा कि डेंगू को लेकर जिले में अभियान चलाया जा रहा है। वहीं वार्डो में एंटी लार्वा स्प्रे व फॉगिंग करवाई जा रही है। जिन स्थानों पर जल भराव है उन स्थानों से पानी को निकलवाया जा रहा है। शहर के जिन वार्डो में गंदगी फैली हुई है वहां पर सफाई अभियान भी चलाया जा रहा है। वहीं जिला अधिकारी अनुज झा ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार काम कर रही हैं। कहीं भी एपिडेमिक यानी महामारी की स्थिति नहीं है, स्थिति नियंत्रण में है और सभी का समुचित इलाज चल रहा है। हमने अभी जो है जिला अस्पताल का जो हमारा डेमो वार्ड है उसका मैंने निरीक्षण किया, उसमें इस वक्त 8 मरीज है भर्ती है। सभी सामान्य है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, कोई भी सीरियस नहीं है उसमें। 18 अगस्त से लेकर के अब तक कुल जो है 84 मरीज डेंगू के भर्ती हुए हैं। मैं कह रहा हूँ 18 अगस्त से लेकर के 2 नवंबर तक आज तक की ये संख्या है। इन 84 मरीजों में से 12 जो है वो अन्य जनपदों के हैं, 72 पूरे जनपद अयोध्या और जो इसका मुख्यालय है, सब मिला करके 72 मरीज हमारे ज़िले के हैं। और इसमें सभी को इलाज दे करके और उनका जो है डिस्चार्ज किया गया है, किसी को हायर सेंटर रेफर नहीं करना पड़ा है। कोई भी डेथ जो है ज़िले में कहीं से भी रिपोर्टेड नहीं है। और विशेष करके ये बात आ रही थी कि जो हमारा ज़िला मुख्यालय है उससे 32 के करीब की रिपोर्टेड फिगर थी कि 32 यहाँ के मरीज हुए हैं, तो ये कल परसों मुझे रिपोर्ट मिली थी कि 32 यहाँ के मरीज अब तक हुए हैं। तो उनको देखते हुए हम लोगों ने यहाँ पे 24 इलाके और 12 फोकल पॉइंट, इस पर जो है डेंगू के विरुद्ध जो है एक अभियान भी चलाया है, जिसमें कि जो एंटी लार्वा का स्प्रे होता है, फॉगिंग है और वहाँ साफ़ सफाई, जितने भी स्टैटिक पानी का यानी कि रुके हुए पानी का जहाँ पे कोई स्रोत है तो वो वहाँ से पानी निकलवाने का, ताकि वहाँ पे कोई मच्छर का लार्वा जो है नहीं बने अपने पास। तो इसका अभियान भी जो है वो कल से चल रहा है, इसमें मेरी नगर आयुक्त से और CMO साहब से वार्ता भी हुई है, टीमें लगातार जा रही हैं और कर रही हैं। तो ऐसी कोई भी जो है एपिडेमिक स्थिति नहीं है और कोई भी कहीं से गंभीर इसको लेकर के कोई रिपोर्ट नहीं है, एक भी कहीं डेथ नहीं हुई है। तो स्थिति पूरी तरीके से इसमें नियंत्रण में है। कुछ अखबार मीडिया में ज़्यादा चल रहा था तो मैंने इसको खुद अपने आंखों से देखना मैंने समझा कि उचित रहेगा, तो इसी को लेकर के मैंने देखा भी, समीक्षा भी किया और न दवाई की कोई दिक्कत है, न बेड की कोई दिक्कत है और पर्याप्त जो है सब व्यवस्थाएँ हैं और सबको ट्रीटमेंट दिया गया। संदेश यही है कि एक तो ये जो सीज़न है वो फीवर का सीज़न है, जिसमें विभिन्न प्रकार के फीवर जो है होते हैं, इसमें कहीं भी हम लोगों को मच्छरों को नहीं पनपने देना है। जहाँ जिनके भी घर में कोई टायर या कोई कूलर जिसमें पानी पड़ा हुआ है और वहाँ पे लार्वा पैदा हो रहा है तो वहाँ से पानी को उसको बहा दिया जाए। अपने आसपास पर्याप्त स्वच्छता रखें, स्वच्छता के लिए सरकार की ओर से भी इसमें प्रयास किया जा रहा है, सफाई का अभियान चलाया जा रहा है। तो अपने आसपास घरों के आसपास जो है स्वच्छता रखें, एक दूसरे को इसमें गाइडेंस भी करें और अगर उनको लगता है आसपास किसी को भी फीवर है तो हमारे चिकित्सक जो हैं वो रेडीली अवेलेबल हैं, उनसे दिखा करके, और ट्रीटमेंट इसका मुफ्त में है, टेस्ट इसका मुफ्त में होता है, तो तुरंत जो है उसको अस्पताल ला करके टेस्ट कराएं और ट्रीटमेंट कराएं। सर निजी पैथोलॉजी सर जो हैं वहाँ भी सर इसकी जांचें होती हैं, मरीजों की पुष्टि होती है, उनका इलाज होता है, उसकी सर संख्या विभाग के पास नहीं है? नहीं, उसकी संख्या हमारे पास नहीं हो सकती है, लेकिन जो सरकारी है उसका उसकी संख्या मैं आपको सर विभाग हर वर्षों में सर मंगाते थे उनसे।